जीवंत भाव रुचिरम मयि देव रूपम गुरुत्वाम सदैव परिपूर्णमदेव तुल्यम आत्मानुभूतिमदताम भव सिद्ध रूपम जाने मदे भवताम सतगुरुदेव इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस व्यास पूर्णिमा के अवसर पर इस श्रद्धाश्रम पूर्णिमा के अवसर पर आप लोगों ने आप सभी उपस्थित शिष्यों ने अनुपस्थित शिष्यों ने जो प्यार जो दुख जो आत्मीयता जो छछलाहट जो प्यार की एक सरिता एक गंगा मुझे प्रदान की है जितना उल्लास और उमंग आपने बताया है जितनी ऊष्मा और निर्मलता चेतना और अद्वितीयता आपने प्रदर्शित की है उसके लिए वास्तव में मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ आपके कल्याण कामना जीवन का बहुत बड़ा भाग इस लौकिक रूप में आपके सामने व्यतीत किया है और बचपन से लगाकर आज तक जीवन की चेतना एक गरिमा एक मन की छपटाहट एक मन की वेदना और एक मन की स्पष्टता किया कि मैं आर्यावर्त में हूँ इस भारतवर्ष में हूँ उस भारतवर्ष में जहाँ सिंधु नदी के किनारे सैकड़ों सैकड़ों ऋषियों ने वेदों की रचना की थी जहाँ पुराणों की रचना हुई है जहाँ राम पैदा हुए हैं जहाँ कृष्ण पैदा हुए हैं जहाँ बुद्ध पैदा हुए हैं जहाँ महावीर पैदा हुए हैं जहाँ अद्भुत घोष हुआ है जहाँ वेदों की ऋचाओं के उन घोषों के माध्यम से यह आर्यावर्त पूरे विश्व में विख्यात हुआ है मैं और आप उस आर्यावर्त के निवासी हैं और उस परंपरा को उस श्रेष्ठता को हम आपके सामने और मेरे सामने संसार के सामने दिखा देना चाहते हैं और दिखा देना चाहता था कि मैं जीवन में कुछ ऐसा करूं जो अन्य लोग नहीं कर सके क्योंकि मेरा जीवन एक सामान्य मानव तरह में व्यतीत नहीं करना चाहता था ऐसा भी जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता कि मैं कंदराओं में जाकर बैठूं और साधनाओं में सिद्धियों में आगे बढ़ूं मैं ऐसा भी जीवन नहीं चाहता था कि मैं बहुत हिमालय के अपने ऊंचे स्थान पर बैठ करके और लोगों को बिना ज्ञान के बिना चेतना के अपने आप को पूछ जाऊं ये मेरी चेतना थी नहीं ये मेरी इच्छा भी नहीं थी ये मेरी आकांक्षा भी नहीं थी अगर मेरी आकांक्षा होती तो संसार का श्रेष्ठतम आश्रम जिसको सिद्धाश्रम कहते हैं जिसको गोपीनाथ कविराज विशुद्धानंद जी और रमण महर्षि उच्च कोटि के यज्ञ योगी और यति और सन्यासी उनके ग्रंथों में हजार हजार ग्रंथों में जिस आश्रम का वर्णन है जो छटपटाते हैं इस बात को कि जीवन के एक क्षण एक भाग में हम उस सिद्धांत में पहुंच जाएं ये सब अपने आप में कोई हल्का सब नहीं है ये तो गंगा से भी ज्यादा पवित्र और हिमालय से भी ज्यादा उच्च है जिसकी उच्चता और जिसकी पवित्रता जिसकी दिव्यता अपने आप में कोई एहसास करने की चीज नहीं है उनका शब्द लेते ही एक होठों पर एक संगीत लहराने लग जाता है गंगा अखिलियां करने लग जाती है लहरें नृत्य करने लग जाती है सिंधु उमड़ करके आपस में अपने आप में डिगो देते हैं आकाश नीचे झुक जाता है अपने आप में एहसास करने लग जाती है ये शब्द इन चार अक्षरों में बहुत बहुत एक गरिमा एक उच्चता एक श्रेष्ठता एक दिव्यता एक गजबता भरी हुई मैं चाहता तो सिद्धार्थ में भी रह सकता था मैं चाहता था वहां ऋषियों मुनियों योगियों के बीच में भी अपनी साधना और सत्ता उनको दिखा देना चाहता था उनको बता देना चाहता था मगर ये जीवन का लक्ष्य था नहीं जीवन का लक्ष्य तो जब ये स्थिति बनी जब हिमालय में विचरण किया जब उन साधना और शुद्धियों को प्राप्त किया जो अपने आप में कठिन असंभव और दुर्बोध है जिनके बारे में कहा जाता कि ये कुछ संभव नहीं है जहां मखोल उड़ाया जाता था जहां दीनता दत्ता को पैरों तक कुचला जाता था जहां दासता की सांस में सांस ले रहे थे जहां गुलाम की जंजीरों में जकड़े हुए थे उस समय तुम्हें घोष करता बहुत कठिन और असंभव कार्य था जहां एक एक बात सहन करना पड़ता था जहां अंग्रेजों की दासता को स्वीकार करते हुए उनमें छटकार पैदा होती थी कि गुलामी से बाहर निकलना है हर हाल पर निकलना है सारे वक्त को अपनी जगह पहुंचाना है इस जीवन की आग इस दौर पर बेचनी मेरी स्थिति में थी जाता था तो पूर्ण शिक्षित व्यक्तित्व था
मैंने एमए किया था, पीएचडी दो दो तीन तीन सब्जेक्ट में डॉक्टरेट की थी, पत्नी थी, पुत्र थे और उनका घर समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे और पूरे अखिल भारतीय सीमा समाज का मैं अध्यक्ष रहा हूं। मगर यह तो एक छोटा पोखर में खड़ा हो दिखी समान, मेरा ग्रस्त वो था ही नहीं, मेरा ग्रस्त तो पूरा हिमालय था जहां एक पांव ही होता था, दूसरे पांव दूसरे कंदरा या दूसरे शिखर पर होता था। इन पैरों ने हजारों हजारों मील उस हिमालय को नापा है जहां भारत का उस बात को एहसास करके कहां कंदरा है, कहां गुफा है, क्या चीजें हैं और क्या मानसरोवर है, मानसरोवर की विशेषता क्या है, क्या सिद्धार्थ कैलाश पर्वत क्या है, उन लोगों को भी मालूम नहीं है हकीकत क्या है। मैं इसको स्पष्टता के साथ बता सकता हूँ, जो कुछ बता जीवन का भाग वहां बिताया, उन पत्थरों पर रगड़ खाते हुए यौवन समाप्त किया, सीने पर बर्फ की सिल्लियां और पत्थरों की रगड़ खाई, पैरों में छाले पड़े, भयानक हिंसक जानवरों के बीच में विचरण करता रहा, लोगों की तांगे गालियां अपमान सहन करता रहा, मगर फिर भी उन साधुओं और सन्यासियों जो कथाकर साधु सन्यासी थे, जो एक ड्रोन था, पाखंड था, छल था, उनके सांत्वन करके खड़ा होना पड़ा। ये स्थिति बनी कि वाराणसी में जब मैं उन पंडितों के सम्मेलन में जब बोला तो उन्होंने उठा करके मार पीट करके मुझे गंगा में फेंक दिया, उनको भी सहन किया। मैं उनको यही कह रहा था तुम मंत्र सही नहीं बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ये मंत्र सही नहीं है और वे इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे। यही स्थिति हिमालय में जब मैंने उनको कहा कि ये घोष तुम्हारे सही नहीं है, मंत्र तुम्हारे सही नहीं है, उन साधु चिंतों से 2000 साधु ने मिलकर मारपीट करके अलग गंदा में फेंक दिया था मुझे और मैं फिर भी जीवित रहा था, फिर भी दूसरे उनके बीच में कहा कि गलत है। फिर उन सन्यासी के ऊपर पहाड़ तलों में खड़ा था, लेकिन गलत है गलत है, ढोंगे तो ढोंगे, पाखंड तो पाखंड है, पूरे आते वक्त से भारत से यथासंभव मैं प्रयत्न करूंगा कि ढोंग और पाखंड और छल इस मंत्र ज्ञान योग आयुर्वेद में उसको दूर करने का पूरा प्रयत्न करूंगा, मैं ही नहीं मेरे सारे शिष्य करेंगे। और मैंने ऐसा किया, इस बात का कोई मुझे घमंड नहीं है, इस बात का गर्व है, इस बात का गर्व है कि मैंने उन मंत्रों को अपने पूर्ण के साथ समाज में स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस बात का मुझे गर्व है कि जो तंत्र अपने आप में एक लज्जित घृणास्पद चीज बन गई थी उनको सही रूप में स्थापित किया। ये मैंने समझाया कि आयुर्वेद के माध्यम से मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा किया जा सकता है, यह मैंने समझाया क्योंकि लोग मुझे केवल मंत्र के रूप में और ज्योतिष के रूप में जानते हैं, मैं तो इनसे बहुत ऊंचा आयुर्वेद के बारे में जानता हूँ, पूरा हिमालय तो आयुर्वेद के रूप में जानता है। ये सारे तथ्य जब जीवन का एक आनंददायक जीवन क्षण था, जब विवाह किया था तो उसके हाथ की मेहंदी भी सूखी नहीं थी और उसके कुछ दिन बाद मैंने कह दिया था मैं संन्यास लूंगा, मैं संन्यास हर हाथ में लूंगा, मेरे माँ मेरे बाप मेरे भाई मेरी पत्नी उनके आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और सोच रहे थे कि क्या स्थिति है, क्या विवाह किया मैंने, ये कैसा विवाह है जहां 8 दिन बाद मेरा पति ये कह रहा कि संन्यास ले लूंगा तो जीवन क्या अर्थ रहेगा। और मैंने कहा था कि मेरा जीवन केवल एक जगह बचने के लिए, एक जगह समाप्ति होने के लिए नहीं, ये जीवन किसी और के लिए है, उनके लिए मुझे जीवन के एक अंग को बांटना है, मुझे जानना ही है, हर हाथ में जानना है क्योंकि ये बात कर देना है। और हिमालय की कहां कहां मैं निकलूंगा, कौन सा ऐसा स्थान है जहां मैंने विचरण नहीं किया। आज हिमालय के साधु सन्यासी योगी जी कहते हैं कि आपको गश्त में जाकर मिला क्या, जहां आप पूरे ब्रह्मांड विचरण करते थे वहां एक छोटे से घर में कैद होकर रह गए, जहां वायुदेव से गमन करते थे वहां एक छोटी सी कार में आकर बैठ गए, इसमें आपने प्राप्त किया किया। और मैं उनको कहता हूं कि मैंने इन लोगों का प्यार प्राप्त किया है, कंदराओं में बैठ करके साधु सन्यासी बनना बहुत कठिन काम नहीं है, उनके सिंहासन बैठ करके मालाएं पहनना बहुत कठिन काम नहीं है, पर लोगों की ताने अपमान गालियां और इन लोगों के आग में झुलस करके आप लोगों को ज्ञान देना बहुत असंभव कठिन काम है, मैं जानता हूं। क्योंकि मैंने आपको प्यार किया है, आपको स्नेह दिया है, आपको अपनत्व दिया है, मन का एक एक खून एक एक कपड़ा आपके लिए बहाया है, पूरे संसार में सिद्धासन से दूरते हुए बहाया है और आपने बहाया है मैंने।
जब मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक बात दिखा देना चाहता हूँ और आप में से 5-7 लोगों को दिखाया है, उनको वायु देश से जाकर सिद्धार्थ सिंह दिखा रहे, पहली बार आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ, चाहे वे धोती कुर्ते में बैठे हों चाहे सामान्य रूप में बैठे हों, इस बात के गवाह है। इस बात के यहाँ पर भी एक सफेद कुर्ते पहने हुए पंडित बैठे हैं जिनको जो तुमने मैंने तिनके से कागज के टुकड़े से सोना करके दिखाया था, वो बैठे हुए यहाँ पर सामने बैठे हुए। ये खन्ना यहाँ बैठा हुआ है जिनकी पत्नी अमरनाथ में बिल्कुल मृत हो गई थी, डॉक्टर ने कहा ये मर गई है, बिल्कुल सांस नहीं है, उनको आपने जीवित करके दिखाया, उनकी पत्नी और पति दोनों यहाँ जिंदा बैठे हैं। ये कोई अहम मन्य तो नहीं कह रहा, मैं इसका चमत्कारी बात बोलना भी नहीं चाहता, मैं तो उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। जो कहते हैं सूर्य की किरणों का मान सोना कैसे बनाया जाता है, उदाहरण दिया गया कैसे बिल्कुल मरे हुए डॉक्टर की डेड बॉडी है और 15 मिनट तक डेड होने के बाद कैसे जिंदा होती है, वापस हम उदाहरण होता है कि मंत्रों में ताकत है, क्षमता है, चेतना है। और इसी काम के लिए सिद्धाश्रम में जब जाता हूं तो उन ऋषियों 2000-3000 ऋषियों की आंखों में आंसू छिटकाते हैं, मुस्कुराहट आ जाती है, उदासी चेहरे पर प्रसन्नता का भाव हो जाता है। जहां मैं चलता हूं तो वहां दूर लेकर अपने शरीर और आंखों मिलते हैं, एहसास करते हैं कि दूर के माध्यम से हम पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। शरीर से मोटा का जो नींद उड़ान सुखी होने वाले बात है, मगर इस बात का मुझे गर्व है, इस बात का फख्र है कि सिद्धार्थ को जो कुछ बनाया सही ढंग से बनाया, उस बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा प्रश्न मेरा है उसको सही ढंग से। जहाँ मैं गया था तो साधु सन्यासी बैठे हुए रुखे पेड़ों के नीचे बैठे हुए मंत्रदाप कर रहे, साधना कर रहे और आगे बंद किए, कुछ हलचल नहीं, कुछ जीवनता नहीं, कुछ चेतना नहीं, कोई प्रफुल्लता नहीं, कोई अर्चनाओं को देखते नहीं, कोई गंधर्वों के गांव नहीं, कुछ नहीं बनता, इस इंसान में मेरे विचरण नहीं कर सकता, इसको सजीव सब प्राण बदल मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। और उसके लिए गुंजा कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं सब करके दिखाऊंगा, आप सारे सन्यासियों सीने में पांव रखे भी करूंगा, हर आदमी करूंगा। और मुझे इस बात का गर्व है कि कई हजार वर्षों की तपस्या प्राप्त सच्चिदानंद जी गुरुदेव गंगा और हिमालय और सबसे ब्रह्मांड से विशेषतम है, उन्होंने पूरे 25,000 वर्षों में उस अकेले व्यक्तित्व ने, उस गरिमामान व्यक्तित्व ने, उस गंगा के समान पवित्र व्यक्तित्व ने केवल 3 शिष्य बनाए, इस बात का मुझे गर्व और फख्र है कि मैं उनका शिष्य हूं। और अगर मैं उनका शिष्य हूं, मुझे फख्र है, तो मेरे शिष्यों को फख्र है कि वो मेरे शिष्य हैं। और जब भी मैं सिद्धाश्रम में निजाम की आपको बात करता हूं तो मुझे मालूम है कि आप न्यूनतम क्या है, आपकी अल्पकिता क्या है, आपने जब पाँव छाले नहीं पड़ते हैं, आपने खून के कपड़े जलाए नहीं है, आपने शरीर को सुखाया नहीं है, आपने घर को छोड़कर के जंगल विचरण नहीं किया है, आप उनकी गालियां रफान सह नहीं किया, लाठी नहीं खाई आपने, आपने नहीं खाई, आप पेट के नीचे और टेंट के नीचे बैठ करके ज्ञान गरिमा ली है, मैंने उनकी धोतियां धोई है, लंगोट धोई है, दुख दृढ़ता कष्ट पीड़ा झेली है, आंसू साथ में मैं विज्ञान को प्राप्त किया, ये आपका सौभाग्य है, आपको गरिमा। मैं कभी मुर्दा को घटिया जीवन नहीं किया, मेरे आंख में तेज है, मरते अंतिम क्षण तक मेरी आंख में लगभग बनी रहेगी और मृत्यु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ये मैं आपको हजार बार कह सकूं, पुलिस ने साथ कह सकूं, कुछ नहीं कह सकती, संभव नहीं। वृद्धावस्था मुझे शिथिल नहीं कर सकती, आज मेरे आंख में और मेरे चेहरे में उतनी तेज है, रहेगा अंतिम क्षण तक, वो अंतिम 4-5 हजार वर्ष बाद आए, 25,000 वर्ष बाद आए, अभी आए नहीं। उस हिसाब से सन्यासियों को कहता हूं कि मैं उन गृह शिष्यों को यहां देख के आऊंगा तो वे मुझे एक ऐसी नजर से देखते हैं कि ये ऐसी अनहोनी बात कैसे होगी, इस सिद्धार्थ का क्या हाल होगा, कैसी स्थिति बनेगी। और उनका मेरा संघर्ष कई वर्षों से है, इस बात वर्षों से मैं उनको लेके आऊंगा ही, और वे गुरुदेव से शिकायत करते हैं कि क्या होगा सिद्धार्थ का, इस सिद्धियों का झील का क्या होगा, इन अवसरों के साथ क्या स्थितियां बनेगी, इन गंधर्वों की स्थितियां क्या बनेगी। तो गुरुदेव कहते हैं निखिल क्या हो रहा है, मैं कहा वही हो रहा है जो अभी हुआ नहीं है, ये होगा और हर हाल में गुरुदेव आपके आज्ञा से लेके आऊंगा, हर हाल में लेकर आऊंगा। और मैं आपके पिछले जीवन को, उससे पिछले जीवन को आप खुला बैठे भूले, ये आपकी मर्जी है, आप मुझे माने नहीं माने, ये आपकी इच्छा है,
आप गुरु रूप में स्वीकार करें और शत्रु रूप में स्वीकार करें, आपकी इच्छा है। कृष्ण की गीता में कहा कि ये यथा मां प्रतिष्ठते तेन तथा मम भजामि। आप इस रूप में मुझे देखेंगे, मैं भी आपको उसी रूप में देखूंगा। दुर्योधन को शत्रु के रूप में देखा, विष्णु को भगवान के रूप में देखा, अर्जुन को सखा मित्र के रूप में देखा और राधा को प्रेमी के रूप में देखा। अपनी अपनी भाव में जिस रूप में देखा कृष्ण ने आपको उसी रूप में देखा। आप जिस रूप में मुझे देखें, शत्रु रूप में देखें, मित्र रूप में देखें, स्वजन रूप में देखें, माँ बाप के रूप में देखें और गुरु रूप में देखें, मैं उसी रूप में आपके साथ निरंतर विचरण करूंगा, मगर आपको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, आपने कई जन्मों से आपको मेरे साथ रहा है, मैं जानता हूं। वह जानता है जिसको ज्ञान की गरिमा है, जिसको शुद्धता है उसको ज्ञान है। हो सकता है मेरी बात आप मुखर समझे, तो जिसकी अति बुद्धि होती है मुखर समझेंगे। इस बात में परवाह करता है, जिंदगी में ऐसा किया है तो देखा है। मानसरोवर 28 बार गए और एक दो बार नहीं, जब एक बार जाते हैं तो लोग अपने आप को महान सुनकर 28 बार कोई पैरों सुनाता है मानसरोवर को। पूरे मानसरोवर के छोर से उस छोर तक पैदल तैर करके उस मानसरोवर को पार किया है। मैंने अपने सीने से पार किया है, मैंने देखा कि मैं नहीं थी और मानसरोवर से दर्शन गया हूँ। और मैं भी गया हूँ, सैकड़ों सन्यासियों को लेके गया हूँ, सैकड़ों शिष्यों को लेके गया हूँ और मैं शिष्यों को लेके गया हूँ। उनको एहसास करवाया ये सिद्धार्थ ने, ये सिद्धि का जीव है, ये अद्वितीयता है, ये पात्रता है, ये दिव्यता है, ये चेतनता है।